है, चने पराठे, आलू पराठे, चिकन पराठे, चीज पराठे। भाई बाहर देखे ना तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है हमारे को, यहाँ का जायका। खान साहब ने तो हमारा दिल जीता हुआ। मैं तो ऐसी होटल में बोल रहा हूँ, यहाँ होटल में किसी के पास चाय नहीं मिलेगी। तुम किधर से आ रहे, किधर से नाश्ता कर रहे हो? वहाँ होटल नहीं है क्या? बहुत है। फिर हम इधर यहाँ पर जो जो नए हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना जरूर। आज सुबह के 8 बजे हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पर, और ये कस्बा कॉलोनी कहलाता है। और यहाँ पर बहुत फेमस और खस्ते पराठे और गरम गरम चाय और छोले के साथ जब आप नाश्ता करते हैं, पंजाबी का तो रिवाज नहीं है, जब पंजाबी लोग करते हैं नाश्ता वैसा तो नहीं है, लेकिन ये कि अमूमन एक कराची में नया ट्रेंड निकला है कि अब लोग ज़्यादातर लोग छोलों के साथ नाश्ता करते हैं। तो आज हम लोग वही ट्राई करेंगे छोलों के साथ, एक कैसा जायका है यहाँ का, कैसा फ्लेवर आता है छोलों का। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आपको बता दूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम होगा छोलों के साथ एक्सपीरियंस, पराठों के साथ गरम गरम और चाय के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर से थोड़ा सा देखेंगे मेकिंग कैसी होती है, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? शुक्रिया अल्लाह का। आप सुनाओ, नाश्ते में वैरायटियां क्या क्या है आपके पास, पहले ये बताओ। हमारे पास चने पराठे, आलू पराठा, चिकन पराठा है, चीज़ पराठा है, पतीचे, छोले, सब कुछ है। माशाल्लाह, मतलब इतनी सारी वैरायटियां, चिकन पराठा, चीज़ पराठा भी? हाँ, चिकन पराठा है, चीज़ पराठा है, आलू पराठा है, मलाई वाला पराठा है। चिकन पराठा कितने का है? चिकन पराठा 70 रुपए का। और चीज़ पराठा? चीज़ पराठा 100 रुपए का। और चाय? और चाय दूध पत्ती स्पेशल जो है 50 रुपए का, सादा 40 रुपए का, कट 30 रुपए का। छोला जो है हमारे पास तो है वो जो है 30 रुपए का। दिखाएं जरा छोले। ये हमारा छोला है, ठीक है, और ये आप देख सकते हो। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत जायकेदार हम बना रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है। ये कलर में ही अच्छा लग रहा है। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? आप सुनाए कैसे? चाय के बारे में बताओ, ये क्या क्या मतलब स्पेशलिस्ट क्या है, चाय में क्या डालते हैं ऐसे जो लोग दूर दूर से आते हैं, प्याला होटल के नाम से मशहूर है जी। चाय में कुछ भी, यही दूध होता है, यही पत्ती चीनी होता है, बस मेहनत होता है चाय का। माशाल्लाह, पच्ची स्पेशल पत्ती है जो इस टाइम 1100 रुपए किलो अच्छा वो डालते हैं, बिक रहे जी। पूरे औरंगी में हमारी चाय जो है ना सस्ती थे, अब जो है ना दूध 170 रुपए का, हम लोगों ने कट चाय जो है ना वो 30 का करा हुआ, पराठा 30 का, और दूध पत्ती चाय जो है ना वो 25 का।
50 का है। बाहर चाय दो पत्ती चाय जो है ना 60 रुपए के, कट 40 रुपए के, 40 का पराठा भी 40 का, छोला 40 का। इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं? मतलब ईमानदारी है या ये एक ईमानदारी? फिर यहाँ जितने भी है सारे मजदूर आराम ले रहे हैं, ये कंपनी वाले पीछे कारखाने में काम करने वाले हफ्ते की दाढ़ी मारने वाले, उनके लिए जो अभी तक उनकी चाय अभी तक 25 रुपए की हम दे रहे हैं उनको। इतनी सस्ती है, मतलब कुछ बात होगी ना टेस्ट में कैसा है? टेस्ट में आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा कि क्या कह रहे हैं आपको, टेस्ट के बारे में ये लोग बताएंगे। ठीक ठाक है सर, अल्लाह का शुक्र। सर टेस्ट के बारे में बताओ, यहाँ पे बिल्कुल सस्ती चीजें दे रहे हैं, 30 रुपए का पराठा, 30 रुपए का कट। अमूमन भाग देखा जाए तो बाहर होटलों में 40 आई थिंक के मतलब हाफ कट दे रहे हैं, तो यहाँ 30 रुपए का जाएगा, मतलब लो है या हाई? भाई बाहर देखे ना तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है हमारे को, यहाँ का जायका खान साहब ने तो हमारा दिल जीता हुआ और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खान साहब का जायका भी टाइट है, पैसे भी सस्ते हैं और ये कि हमें फुल इत्मीनान है यहाँ पर। और फिर आपको पता है कोयटा वाले की, तो फिर बात भी कोयटा वाले की है ना। चलो ट्राई करते हैं हम लोग भी और कुछ लोगों से और भी पूछ लेते हैं यहाँ पर। क्या हाल है? ठीक ठाक है। कैसी लगी चाय? चाय तो जबरदस्त बनाते हैं, फर्स्ट क्लास बेहतरीन चाय, क्योंकि हम यहाँ के अलावा चाय पीते ही नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? कहीं मैं रहता हूँ 7D में, राधा चाय। चाय तो हम चाय ज़्यादा पीते हैं। अच्छा, चाय तो ऐसी होती है, बोल रहा हूँ यहाँ होटल में किसी के पास चाय नहीं मिलेगी। हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, चाय जैसे यहाँ की है यहाँ के अलावा किसी ऐसी चाय नहीं है। अच्छी चाय। और पराठा कैसे हैं उनके? खस्ते पराठे भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चाय पीते हैं माशाल्लाह से। चाय और पराठे और छोले भी इनके सुबह के, वो भी बड़े अच्छे होते। इतनी तारीफ के बाद तो बनता है, हम लोग भी ट्राई करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं टेस्ट के साथ, रिव्यू देंगे फुल इसका। और चलो चेक करते हैं हम लोग भी। कैसा लगा पराठा? पराठा जबरदस्त है। यानी चाय? चाय भी फर्स्ट क्लास। अच्छा, और छोले? छोले में भी टेस्ट और दूसरे छोलों से अच्छा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट। अच्छा, मतलब मज़ा आया आपको खाने में? टेस्ट अच्छा है, बिल्कुल ज़बरदस्त होटल है, हर चीज़ यूनियन है। इधर आना। अच्छा, ये कौन सा पराठा है? डबल पराठा है, हैं? ये डबल पराठा, ये सिंगल पराठा, कोई है छोले। हमारा रास्ता आ गया है और ये है डबल पराठा, और ये हैं छोले, और ये है एक सिंगल पराठा। तो ट्राई करते हैं हम लोग कैसा जायके में, तो बात तो बहुत हो गई है, ट्राई करते हैं खाने में। काफ़ी गर्म है, क्रिस्पी है और थोड़ा कड़कपन भी है इसके अंदर। और टेस्ट में कैसा है यही बाकी रहेगा, ट्राई करें। सलमान ब्लॉग। चलिए ट्राई करते हैं। बहुत सस्ता है ये वाला डबल पराठा जो खासतौर पर, कुछ बारीक सा है कागज़ की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो जायका है एक मिला हुआ है इसके अंदर। पहले आपको बता दूँ मैं, ये एक वाला पराठा है ताकि और अच्छा लग रहा है, और सालन भी बहुत वो दूसरों के जायके में जो है सालन भी, और बहुत सारे छोले खाए नाश्ते के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा यूनिक टेस्ट है। समटाइम ऐसे होते हैं जो चने होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उसको चबाने में थोड़ा सा वो जो कच्चे कच्चे आते हैं मुँह में, तो जायका बहुत बेकार हो जाता है। प्रथम जायका VIP, जितने पैसे ले रहे हैं उतनी की चीज़ दे रहे हैं, बेहतरीन है मेरे हिसाब से ओवरऑल। पराठा बहुत अच्छा बना, बेहतरीन, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई, एक बार और ट्राई करेंगे हम लोग। चलो हम लोग ट्राई करते हैं अब। हाँ एक और ये चीज़ जो है ना, ये जो चने में आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत नरम है, ऐसे हाथ लगाने से टूट रहे हैं, ये देख रहे हो, हाथ लगाने से वो टूट रहे हैं। और कोई कोई होता है हार्ड बहुत चने, तो वो चबाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कच्चे जायका जो होता है वो बेकार होता है सालन का ना, तो ये वाला जो बाइट जो जाएगी ना वो बेहतरीन सी जाएगी।
जाएगा बहुत उस समय, और जो मसाले खड़े मसाले जो इसके अंदर आ रहे हैं ना उन्होंने भाई बहुत यकीन नहीं मानेंगे, पैसा वसूल चाह रहा पता जाएगा कैसा कहाँ से आते खाने के लिए इतना वहाँ होटल नहीं है क्या वो थे फिर यहाँ पर आए मतलब क्या अच्छा लगता है यहाँ का पराठा भी अच्छा है छोला भी अच्छा है चाय भी अच्छी है तीनों चीज़ अच्छी है। भाई कस्बा मोड़ से आए खाने के लिए और इतनी दूर से बेचारे आए वहाँ पर भी होटल काफ़ी है पठानों के कोयटा होटल बहुत सारे ना वहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ की जो उनकी तरकारी है और पराठे जो चाय का जायका है ना वो सब में सबसे अलग है, तो इस वजह से भाई दूर दूर से आ रहे लोग तो काफ़ी यूनिक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आए हैं वीडियो बनाने का मकसद यही था तो दिखा दें। तो हमारी चाय भी आ चुकी है अब गरम गरम, हम लोगों ने चाय भी मंगा ली है और पराठे के साथ हम इसको चाय को भी ट्राई करते हैं, इसको पराठे को ट्राई करते हैं। और ये है गरम 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 चाय। पसंद जाएगा चाय के साथ भी बहुत मज़ा आ रहा है भाई। माता का चाय हमारा तो नाश्ता हो चुका है डन वीआईपी तरीके से। तो कैसा लगा भाई जान चाय कैसी लगी? चाय पी रहा ना वो वाला छोटू भाई तेरा यार वो ना वो शर्मा है वो लड़का ना बहुत शर्मा रहा है इधर भाई बिल्कुल ही हम लोगों को मज़ा आ गया भाई साहब भाई साहब बहुत मज़ा आया हम लोगों को नाश्ता करके यहाँ पर ना, क्योंकि छोले यहाँ के वीआईपी आउटस्टैंडिंग, पराठे खस्ते और चाय भी बेहतरीन आपने बड़े प्यार से बनाइए भाई, बड़ा जायकेदार भाई। इन्होंने हमें बहुत अच्छा पराठा खिलाया, बहुत खस्ता वीआईपी वाला, बिल्कुल खाने में मज़ा आ रहा था, पता नहीं चल रहा था हम लोग पराठा खा रहे क्या चीज़ खा रहे भाई, मज़ा आ गया वीआईपी। शुक्रिया भाई। इन्होंने भाई हमने छोले खाए भाई, क्या डाला था छोले में ऐसा, मतलब बिल्कुल नरम नरम छोले और वीआईपी तरीके से एक जायका आ रहा था, क्या क्या डाला था इसके अंदर? ये तो बस हम सला रहे। अच्छा ये क्या रहा लेकर से? अच्छा चीज दे रहे हमको। अच्छा थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छे मतलब अच्छी चीज दे रहे हैं, प्योर चीज दे रहे हो, मतलब कोई दो नंबर ही नहीं है इसके अंदर? बिल्कुल दो नंबर चीज इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं लग भी रहा है जायके में बड़ा बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर है पक्का कस्टमर है माशाल्लाह, छोटा हो बड़ा हो नाश्ते के लिए हमारा कस्टमर। भाई मैं तो देखो पहली बार आया, मैं तो कायल हो गया आपका, मुझे बहुत पसंद आया हमारे मेहमान। मुनासिब पैसे और बिल्कुल मतलब हर चीज आपको सस्ती मिलेगी बकाया दूसरे होटलों से, बिल्कुल रिलीफ के साथ मिलेगी। हाँ हम लोग को तो भाई बहुत मजा आया और अभी हम लोग चलेंगे वापस घर पे, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। और जो जो नए आए इनको यही कहूँगा कि भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है सलमान ब्लॉग। तो हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़। Are you alive?